नमस्कार, मैं हूँ आयुषी मिश्र और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार लगातार अपने प्रशासन को पुरजोर तरीके से बिहार में शराबबंदी कानून लागू करवाने में लगाए हुए हैं। जहां एक तरफ बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार के प्रशासन शराब की बोतलें ढूंढने में लगी है। खुद बिहार के DGP भी अब शराब की बोतलें ढूंढ रहे हैं। और ऐसे में बिहार के पूर्व मद्य निषेध मंत्री ने जो कुछ बयान दिया है, इससे मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंखें अब थोड़ी खुल जाएंगी। उन्होंने साफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने ये सवाल पूछा है कि बिहार को 40,000 करोड़ का सालाना राजस्व का नुकसान झेलना पड़ रहा है, जो कि बिहार के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन रहा है। जहां एक तरफ बिहार में बच्चों को स्कूल और कॉलेज जाना चाहिए, तो वहीं बिहार के बच्चे शराब की तस्करी में डिलीवरी बॉय बनकर रह गए हैं। बिहार के बच्चों को जहाँ रोजगार मिलना चाहिए, वहाँ बच्चे काला काम कर रहे हैं। और ऐसे में बिहार के पूर्व मद्य निषेध मंत्री जमशेद अशरफ ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंखें खोलना चाही है। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार को शराब मुक्त करवाने का जो उन्होंने सपना देखा था, वे बेहद ही खूबसूरत था, लेकिन जो दृश्य देखने को मिल रहा है शराबबंदी के बाद, वो बेहद ही भयानक है। जहां एक तरफ बिहार के मुखिया बिहार में ही शराबबंदी कानून लागू करवाने में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, उनके खुद के विपक्ष, ना सिर्फ उनके खुद की पार्टियां भी, उनके खुद के लोग भी ये कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से फेल है। वहीं दूसरी ओर शराबबंदी के जो साइड इफेक्ट्स हैं, वो भी बिहार वासियों को झेलना पड़ रहा है। और क्या कुछ कहा है बिहार के पूर्व मद्य निषेध मंत्री ने, सुनिए जरा। मैं शराब को बहुत गलत मानता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि लोग शराब न पिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत चीज़ है। जनाब नीतीश कुमार जी ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया शराबबंदी करके, लेकिन आज जो बिहार की हालत हो रही है, उससे मैं माननीय नीतीश जी को कहना चाहता हूँ कि शराबबंदी के में से जो साइड इफेक्ट हुआ है, उसकी एक समीक्षा करें। पूरे बिहार में आज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो रहा है, क्योंकि सारे पुलिस वाले सिर्फ शराबियों को ढूंढ रहे हैं और शराब की खोज कर रहे हैं, जिससे कि क्राइम रेट बहुत बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो जिनको स्कूल जाना था, जो पढ़ाई करते, वो आज डिलीवरी बॉय का रोल अदा कर रहे हैं। शराब हर जगह मिल रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इलिसिट लीकर मिल रहा है, जिससे लोगों की तबीयत खराब हो रही है, लोगों की जान तक जा रही है यहाँ। इसलिए मैं माननीय नीतीश जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि शराबबंदी के जो साइड इफेक्ट हैं, उसकी समीक्षा करें। दूसरी बात यह है कि बिहार हमारा एक बहुत ही गरीब प्रदेश है। शराबबंदी की वजह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लगभग 40,000 करोड़ का नुकसान स्टेट को हो रहा है, और ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो उनका जो मकसद था शराब बंद करना, शराब तो बंद नहीं हुआ, क्राइम रेट बढ़ गया, बच्चे स्कूल जाने के बजाय डिलीवरी बॉय का रोल अदा कर रहे हैं, और साथ साथ स्टेट को रेवेन्यू की काफ़ी कमी हो रही है। इसलिए मैं नीतीश जी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो शराबबंदी के साइड इफ़ेक्ट की समीक्षा करें। मैंने कहा ना कि मैं काफ़ी जगहों पर घूमा हूँ, और मैंने ये चीज़ मार्क किया कि बिहार में चूंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया, सिर्फ लोग शराबबंदी के पीछे दौड़ रहे हैं, शराब के पीछे दौड़ा जा रहा है, तो आज छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के बजाय आज डिलीवरी बॉय का ये कर रहे हैं। और एक नया ट्रेंड भी मैंने देखा जो बिहार में शुरू हुआ है, कि बच्चे लोग ड्रग्स, गांजा, चरस लेना शुरू कर दिए हैं, और वो कहाँ से आ रहा है, चूँकि इन्फोर्समेंट काफ़ी कमज़ोर हो गया है, इस वजह से ड्रग्स और गांजा यहाँ बहुत धड़ल्ले से बिक रहा है, और बच्चे लोग इसका सेवन कर रहे हैं, जो मैंने हर तरह से बहुत जगह घूम घूम कर इसको मैंने आई विटनेस किया। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसको लेकर कई बार समीक्षा बैठक कर चुके हैं। इसके बावजूद विधानसभा से लेकर बिहार के कोने कोने तक शराब की बिक्री हो रही है।
ना सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष भी नीतीश कुमार की शराबबंदी को फेल बता रहे हैं। कभी बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री रहकर सुर्खियों में रहे भाजपा नेता जमशेद अशरफ ने शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार से कई सवाल पूछे हैं। बेगूसराय में एक खास मुलाकात में जमशेद अशरफ ने कहा कि मैं शराब को बहुत ही गलत मानता हूं और चाहता हूं कि लोग शराब ना पिए, शराब बहुत खराब चीज है। नीतीश कुमार ने शराबबंदी का एक बेहतर कदम उठाया है, लेकिन आज जो बिहार की हालत हो रही है उससे नीतीश कुमार को कहना चाहता हूं कि शराबबंदी से बिहार में जो साइड इफेक्ट हुआ है उसकी नीतीश कुमार समीक्षा करे। जमशेद अशरफ ने कहा कि पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब हो रही है, क्योंकि सारे पुलिस वाले आज शराब और शराबी को ढूंढने में व्यस्त हैं। छोटे छोटे बच्चे आज जिनको स्कूल जाना था, जो पढ़ाई करते, वह आज डिलीवरी बॉय का रोल निभा रहे हैं। शराब हर जगह मिल रही है। अफसोस की बात तो यह है कि बिहार में इस वक्त मिलावटी शराब बिक रही है, जिससे न सिर्फ लोगों की सेहत खराब हो रहा है बल्कि लोगों की जान भी जा रही है। जमशेद अशरफ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शराबबंदी के साइड इफेक्ट पर जोर शोर से समीक्षा करने की बात दोहराई है। शराब के साइड इफेक्ट के दूसरे पहलू पर भी जमशेद अशरफ ने सरकार और मुख्यमंत्री को खेलते हुए कहा है कि बिहार बहुत ही गरीब प्रदेश है, शराबबंदी की वजह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लगभग 40,000 करोड़ का नुकसान बिहार को हो रहा है। नीतीश कुमार का जो मकसद था कि बिहार में शराब बंद करना चाहिए, वह अब सफल नहीं हो पाया, बल्कि क्राइम रेट बहुत ही बढ़ गया है, बच्चे डिलीवरी बॉय बन गए हैं और बिहार सरकार का राजस्व भी कम हो रहा है। तो आपने सुना बिहार के पूर्व मद्य निषेध मंत्री ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में शराबबंदी के क्या कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। जहां एक तरफ बिहार को 40,000 करोड़ का सालाना नुकसान झेलने को मिल रहा है, बिहार पहले से ही गरीब प्रदेश है, ऐसे में बिहार के विकास के लिए बड़ी रुकावट बन रही है शराबबंदी। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार के बच्चे जिनको स्कूल और कॉलेज में जाकर पढ़ाई करनी चाहिए, उन्होंने एक अच्छा रोजगार ढूंढ लिया है, या यूं कह ले शराब के डिलीवरी बॉय बन के रह गए हैं। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से समीक्षा करनी चाहिए, और इस बार समीक्षा शराबबंदी कानून को लागू करवाने के लिए नहीं, शराबबंदी कानून के साइड इफेक्ट को देखते हुए समीक्षा करनी चाहिए। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या अपने ही सहयोगी की बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानते हैं, क्या वो एक बार समीक्षा बैठक करेंगे, लेकिन इस समीक्षा बैठक में क्या वो बिहार में हुए शराबबंदी के साइड इफेक्ट पर भी चर्चा करेंगे, ये बेहद देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। मुझे इंट्रो फिर से करना है। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।